हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई साइंस फैंटसी ड्रामा फिल्म विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक एक्सपेरिमेंट के चलते कुछ ऐसा इजाद कर देता है जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है और ना चाहते हुए भी उसे नष्ट करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो हमेशा से ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपना परफॉर्मेंस दिखा रही होती है और परफॉर्मेंस के दौरान ये लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसको काफी चोट लगती है। यहीं पे हम एक दूसरे शख्स इगोर को देखते हैं जो कि एक कुबड़ा है और ठीक से नहीं चल पाता। ये इस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से लड़की अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन इगोर समझ जाता है कि लड़की को क्या प्रॉब्लम है और झटके से उसको ठीक कर देता है। दरअसल कुबड़ा होने की वजह से उसने खुद को ठीक करने के लिए ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी स्टडी की होती है। उसके पास कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था और कुछ ही देर में उस लड़की को ठीक कर देता है और वो फिर से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन भी ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देख कर हैरान हो जाता है। तभी वो इगोर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। वो बताता है कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं। विक्टर उसे कहता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वहाँ खड़ा रिंग मास्टर सुन लेता है जो कि उस जगह का ऑनर भी था। उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना जाता था। वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मेरे गुलाम हो, तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल की है वो सब चुराई हुई किताबों से की है और पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने में। अब इसके कुछ टाइम बाद विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वहां पे आता है और इगोर को पिंजरे से आजाद करके भागने लगता है। यहां सर्कस वाले उनको भागते हुए देख लेते हैं और इन लोगों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सबसे लड़ते झगड़ते विक्टर उसे अपने घर में सही सलामत ले आता है। घर पर पहुंचते ही विक्टर सबसे पहले उसे इंजेक्शंस की मदद से उसकी कमर के अंदर मौजूद गंदा मटेरियल निकाल देता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके और इगोर ठीक भी हो जाता है और पहली बार वो ठीक से खड़ा भी हो सकता था। यानी कि अब इगोर एक कुबड़ा इंसान नहीं रहा, वो अब सही से चल सकता था। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इधर विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, यानी कि मैं मरे हुए इंसान को या किसी जानवर को फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। यहाँ उसे वो एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है जिसमें से जब वो करंट पास करता है तो वो आंखें मूव करने लगती हैं। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ वो उसकी एक गलती बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को सही से अटैच नहीं किया। जब विक्टर देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी गलती ठीक की और इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब समय कुछ आगे निकलता है और दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जायंट चिंपैंजी बनाना चाहते थे जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। ये साइंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। काम खत्म करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहां पर इगोर एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। ये वही लड़की थी जिसको उसने सर्कस में देखा था, लेकिन वो लड़की इगोर को पहचान नहीं पाती क्योंकि अब वो बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन इगोर अभी भी उससे काफी प्यार करता था। यहां पर विक्टर उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए हिदायत देता है और कहता है कि वो तुम्हारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और जितना तुम उससे दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अब ये दोनों अपने घर में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पहली बार हम उस मॉन्स्टर चिंपैंजी को देख पाते हैं जो कि काफी इलेक्ट्रिकल वायर्स में जकड़ा होता है। अब उस मरे हुए चिंपैंजी की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इगोर को कुछ समझ नहीं आता और वो काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन तब दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपैंजी मूव करने लगता है, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। अब उसके अगले दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकनस्टाइन चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाता है। अब यहाँ उसे जिंदा करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जब वो जिंदा होता है तो वो इधर उधर भागने लगता है और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। वो काफी वायलेंट हो जाता है जिसको देखते हुए विक्टर अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन चिंपैंजी को मार देता है। विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि उसने अनकन्वेंशनल मेथड को यूज किया है जो कि रूल्स के खिलाफ है। यहीं पर उसके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो काफी अमीर होते हैं, तो वो विक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम एक्सपेरिमेंट को चालू रखो, और उसे ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड्स बनाओगे, यानी कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सकें।
और वो हमारी अलग अलग कामों में मदद करेंगे। इस काम के लिए वो उसे काफी पैसे भी ऑफर करता है। यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं। वो नहीं चाहता था कि वो इन लोगों के साथ काम करे, लेकिन विक्टर इगोर को नजरअंदाज करते हुए अपनी रिच क्लासमेट्स की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि विक्टर ने उसको एक नई जिंदगी दी थी उसकी कमर ठीक करके और उसपे कई एहसान किए थे, जिस वजह से वो विक्टर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच पड़ताल कर सके। उन्हें ये भी पता था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके पास घर चेक करने का कोई वारंट नहीं था, तो उन्हें खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ता है। अब अगले सीन में इगोर वही सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता था। वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि वो उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट ना करे, वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना देगा। अब इसके बाद ये दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। घर वापसी के दौरान वो देखता है कि वही पुलिस ऑफिसर और उसके साथी घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर आता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारे क्लासमेट्स ने हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन विक्टर वहां से नहीं जाना चाहता था और अपनी सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है। वो चाहता था कि उनकी बरसों की मेहनत किसी के हाथ ना लगे। इतनी देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और इसी बीच पुलिस ऑफिसर और विक्टर के आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान विक्टर उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बड़े से गियर के अंदर फंस जाता है और उसका हाथ कट जाता है। इसी बीच ये दोनों मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं और अपने उसी क्लासमेट्स के पास जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। यहाँ उनको बहुत पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड बनाओ। अब चूंकि पुलिस भी उनके पीछे लगी थी और यहां काम करना सेफ नहीं था, तो उन्हें कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहां पर मेरा एक फैमिली बंगला है, तुम वहां खामोशी से काम कर सकते हो। इगोर एक बार फिर से उसे कहता है कि तुम इन चक्रों में मत पड़ो, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता और वो स्कॉटलैंड के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और वो उसे अपना प्लान बताता है कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड को मैं एक वेपन की तरह यूज करूंगा, क्योंकि ना तो उसे कोई मार सकेगा और ना ही उस पर किसी गोली का असर होगा। ये सब बताने के बाद वो इगोर के हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फिकवा देता है, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद इगोर अपनी रस्सियों को खोलता है और अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है। अपनी जान बचाने के बाद सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी, और ये दोनों मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान को खतरा है। अब यहाँ पहुंचकर वो इगोर को सब कुछ बता देता है, पर विक्टर अब भी उसकी एक नहीं सुनता और अपना एक्सपेरिमेंट चालू रखता है। अब यहाँ वो उसे एक सीक्रेट बताता है कि कुछ साल पहले एक तूफान आया था जिसमें मेरा बड़ा भाई मारा गया और कहीं ना कहीं अपने भाई की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता था। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हर जगह तबाही मच जाती है और हर चीज ब्लास्ट होने लगती है और इसी के चलते उस इन्वेस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर इस सब का जिम्मेदार विक्टर को ठहराता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। बातचीत के दौरान बनाया गया मॉन्स्टर अपनी जगह से उठकर मूव करने लगता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर काफी डरा होता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था और पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकाल कर उस पर शूट कर देता है, जिसके कारण मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और उसे गुस्सा भी आता है, और तभी वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है जिसमें वो मारा जाता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने आता है और उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद इगोर हैप्पीली उस लड़की के साथ रह रहा होता है, जहां उसे विक्टर का खत मिलता है जो उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही थे, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, पर अगली बार हम सब सही करेंगे, तब तक एंजॉय योर लाइफ। यहां इगोर और वो लड़की गले मिलते हैं और विक्टर किसी नए एडवेंचर के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।